भाई और बहनों, मेजोरिटी आजकल ब्रह्मकुमारी संस्था का परिचय सभी को है। भल रूबरू में हाजिर होते हो न होते हो, फिर भी एक औपचारिकता के तौर से ये प्रजापिता ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय क्या है, उसकी स्थापना किसने की है, कब की है और इस संस्था का उद्देश्य क्या है, इस संस्था का कार्यक्षेत्र कौन सा है, ये सारी बातें जिसको कहेंगे संस्था का परिचय हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर पौलोमी बहन देगी। तो अनुरोध करना चाहूँगा डॉक्टर पौलोमी बहन से आप आए और इस संस्था का परिचय देंगे। पौलोमी बहन, ओम शांति। ओम शांति शब्द से ये संस्था बहुत जानी पहचानी जाती है। संस्था का पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम से ही पता चलता है कि स्वयं ईश्वर के द्वारा यह स्थापित विद्यालय है। और विद्यालय है माना जहाँ पढ़ाई होती है, तो ये एक ऐसी संस्था है। दुनिया में बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन ये एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था है कि जहाँ कोई स्थूल रूप से विधि नहीं की जाती है, लेकिन आज का जो दिन है, आज का जो विषय है इंटेलेक्चुअल, तो ये संस्था का भी जो कार्य है वो अपनी बुद्धि का विकास करना। बुद्धि हमारी आत्मा की एक प्रॉपर्टी है, एक शक्ति है, और वो बुद्धि का हम सारे दिन में उपयोग करते हैं, लेकिन कैसे उपयोग करना वो ये संस्था सिखाती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम कैसे बचाएं, मुख्य चीज है बुद्धि का उपयोग करने से पहले हम मन से सोचते हैं और फिर बुद्धि से काम लेते हैं। तो मन और बुद्धि दोनों अगर पॉजिटिव रूप में यूज कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को कैसे सुखमय शांतिमय बना सके, यह संस्था ये सिखाती है। ये संस्था 1936 में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जो कर्तव्यवाचक नाम है परमात्मा का, शिव, शिव माना कल्याणकारी। परमात्मा को हम कहते हैं कि हम सबका कल्याण करने वाला पिता, तो वो प्यारा पिता जब सारे विश्व की आत्माएं दुखी अशांत हो जाती है तब उनका आना होता है। तो कलयुग के अंत में, जिसको हम अभी संगम युग कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कहती है कि युग बदल रहा है, ये परिवर्तन का समय है। कलयुग को बदल सतयुग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो ऐसे समय पर स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं और अवतरित होकर ज्ञान और राजयोग की ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर परमात्मा ने यह विद्यालय की स्थापना की और इस विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है जन जन को मनुष्य से देव तुल्य बनाना। हमारी भारत भूमि देवताओं की भूमि है और देवताओं के जीवन को देखें तो पता चलता है कि देवताओं के जीवन में न दुख था, न रोग था, न शोक था, न अशांति थी। तो ऐसी जीवन हम भी प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सके, तो इसके लिए यह विद्यालय कार्य करता है। और उसमें मेडिटेशन और ज्ञान
spiritual knowledge. The spiritual knowledge or meditation, दो का combination, जिसके लिए आजकल doctor भी कहते हैं कि meditation करो, है ना? तो दवा और दुआ, knowledge हमारे लिए दुआ का काम करता है और meditation हमारे लिए दवा का काम करता है. तो दवा दुआ और कहते हैं meditation एक medicine है. तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आजकल सभी को पता है कि आजकल के जो डिसीज है वो ज़्यादातर साइकोसोमेटिक डिसीज है और वो डिसीज को हम मेडिटेशन से स्टेबल दूर कर सकते हैं या तो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं. तो यह विद्यालय यह सिखाता है कि कैसे अपने मन के द्वारा या तो अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा हम कैसे अपने शरीर को चलाए, स्वस्थ रखे. तो यह विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है अपने आप को प्योर करना. यह विद्यालय कोई भी उम्र, जाति, मठ, पंथ, किसी को भी लिए यह विद्यालय काम करता है. नॉलेज कोई भी ले सकता है. और विशेष इस विद्यालय में बहुत अलग अलग विंग है और इस विंग के द्वारा ये विद्यालय हर एक वर्ग की सेवा कर रही है और जन जन तक ये संदेश पहुंचा रही है कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और परमात्मा का इस धरा पर आने का मुख्य लक्ष्य है हर एक मनुष्य को तन, मन, धन और जन चारों प्रकार से सुखमय और शांतिमय जीवन प्रदान करना. तो इसी लक्ष्य को लेकर यह विद्यालय अपना कार्य कर रही है. तो ये विद्यालय का परिचय देना, ये तो जैसे सागर को गागर में समाने जैसा है. तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. ओम शांति.